अगर बेटा हम सेल की बात करते हैं तो सेल क्या है? ठीक है जी, सेल बेटा हम कहते हैं, आप लोगों ने 9th 10th में भी ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि बेसिक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। के सेल हम किसको कह रहे हैं कि लाइफ का बेटा जो बुनियादी स्ट्रक्चरल यानी कि साख्ती एंड फंक्शनल और फेलियाती यूनिट इकाई है उसको हम सेल कह रहे हैं। यानी कि लाइफ जो है ना बेटा उसका जो प्रॉपर ओरिजिन है ठीक है वो सेल से स्टार्ट होगा। यानी कि कोई भी ऐसी चीज बेटा इस दुनिया में जिसके पास सेल है ठीक है उसको फिर हम लिविंग कंसीडर करेंगे। उस हम कहेंगे जी कि इट इज हैविंग लाइफ, इट इज हैविंग लाइफ। यानी कि लाइफ का स्ट्रक्चर भी बेटा इसी से स्टार्ट होगा और फंक्शन भी। तो इसलिए बेटा हम कह सकते हैं कि अ सिंगल सेल यानी कि एक सिंगल सेल जो है वो इस काबिल होता है बेटा कि वो लाइफ की तमाम एक्टिविटीज को ऑल एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके। लाइफ की तमाम एक्टिविटीज को वो कैरी आउट कर सके। मसलन आप देखते हैं ना बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे पास जैसा कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया हो गए, फिर हमारे पास जी साइनोबैक्टीरिया हो गए, फिर हमारे पास बेटा जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं हमारे पास जिसमें हम बात करते हैं युगलीना की ठीक है। युगलीना के अलावा बेटा क्ले मेडोमोनास है हमारे पास, फिर क्ले मेडोमोनास के अलावा हमारे पास पैरामेशियम है ठीक है। तो ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं लेकिन इन सब के पास लाइफ है। यानी कि एक ही सेल में इनकी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो वकूअ पज़ीर हो रही हैं, उसी में रेस्पिरेशन हर चीज़ उसी में हो रही है ठीक है जी। तो ये तो बेटा एक सेल का ब्रीफ सा ओवरव्यू था कि सेल हमारे पास क्या है। यानी कि जिंदगी की बुनियादी साख्ती और फेलियाती इकाई सेल है। और अगर बेटा हम बात करें ठीक है सेल के डिस्कवरर की, तो सेल को फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ही वाज रॉबर्ट हुक ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने बेटा कॉर्क जो है ठीक है, कॉर्क जो वुड टिश्यू होता है उसके सेल्स में बेटा उसमें सेल्स डिस्कवर किया इसने। और रॉबर्ट हुक का कहना था कि जो सेल है ना ठीक है, यानी कि रॉबर्ट हुक ने जब कार्क को अपनी बनाई हुई एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनका कहना ये था कि जो सेल्स है ना ठीक है, जो सेल्स हैं ये हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस हैं। सेल हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस हैं ठीक है, जिनको थिक वॉल्स ने, जिनको थिक वॉल्स ने यानी कि मोटी मोटी दीवारों ने सराउंड किया हुआ है। इनके बेटा रॉबर्ट हुक का ये कहना था कि सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, सेल अंदर से बिल्कुल खाली है, बाहर सिर्फ मोटी मोटी वॉल्स हैं, थिक वॉल्स हैं। तो असल में बेटा वो अंदर कुछ देख ही नहीं सका। एक तो उसकी जो माइक्रोस्कोप थी ठीक है उसके पास इतनी रिजॉल्विंग पावर या इतनी मैग्निफिकेशन पावर नहीं थी, और दूसरा उसने देखा ही कार्क सेल को ठीक है, जो कि वुड का आता है जो ऑलरेडी डेड है। उसके बाद क्या हुआ जी कि 19th सेंचुरी में ऑलमोस्ट 1835 के करीब करीब एक साइंटिस्ट आते हैं जी रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब क्या करते हैं बेटा, इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और एक तरह से इन्होंने रॉबर्ट हुक का जो कंसेप्ट था सेल के रिलेटेड उसको रद्द किया जी। वो तो क्या कह रहे थे कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस है, सेल के अंदर ही कुछ नहीं है ठीक है, सिर्फ बाहर थिक वॉल्स हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं, अंदर है ही कुछ नहीं। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया,
जब उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो उन्होंने रॉबर्ट हुक के नजरिए को एक तरह से रद्द किया कि सेल अंदर से भी खाली नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है, इसके अंदर ठीक है मजीद ठीक है मटेरियल पाया जा रहा है, और उसमें से उन्होंने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। उसके बाद बेटा क्या होता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए ठीक है, और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने ठीक है क्या किया, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए, लाइट माइक्रोस्कोप, TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेल फ्रैक्शनेशन वगैरह करके, तो सेल के अंदर बेटा डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को डिस्कवर किया, और ये बताया जी कि जो सेल है ठीक है ये कोई ठीक है माड़ी मोटी चीज़ नहीं है ठीक है, ये एक बड़ा यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है ठीक है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ठीक है। और उसके बाद बेटा अगर हम बात करें सेल, वो ब्रांच ठीक है बायोलॉजी की जो सेल की स्टडी से रिलेटेड है ठीक है, जिसमें हम सेल को स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम सेल बायोलॉजी या फिर बेटा उसको हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले भाई कि साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल और इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि इसकी जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका मुताला करते हैं, तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहेंगे जी, सेल बायोलॉजी। तो ये तो बेटा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको लाजमी पता होना चाहिए ठीक है, कि सेल क्या है, सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल के अंदर न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी क्या चीज़ है। इनको डिस्कस करने के बाद बेटा हम आ जाते हैं एक सेल की तरफ, देखते हैं कि बेटा एक सेल में असल में क्या क्या मौजूद है। ये आज हमारा कोई प्रॉपर यानी कि बुक से हम लेक्चर नहीं ले रहे, हम जस्ट पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है ठीक है। तो अगर बेटा एक सेल की बात की जाए, एक सेल की अगर बेटा बात हम करते हैं, तो एक सेल में जो चीजें पाई जाती हैं मेनली, एक सेल के बेटा दो मेन कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है उसकी बाउंड्री ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या है जी, उसकी बाउंड्री यानी कि उसकी वाल जिसने उसके इंटरनल कंटेंट्स को अपने अंदर बंद किए होना है, और दूसरा बेटा जो मेन कंपोनेंट है सेल का, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। देखा कि एक सेल जो है इसके दो मेन कंपोनेंट है, पहला जो है वो इसकी बाउंड्री वाल जिसने इसको इसके कंटेंट्स को अपने अंदर बंद किए होना है, और दूसरा प्रोटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर जो इंटरनल कंटेंट्स हैं, जो इसका लिविंग मैटर है, उसको हम क्या कह रहे हैं जी, उसको हम कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। अभी बाउंड्री जो है बेटा, अगर तो एनिमल सेल की बात की जाए, अगर तो हमारे पास एनिमल सेल की बात की जाए, तो एनिमल सेल में बाउंड्री जो है वो होती है सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, वो होती है सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। जबकि अगर बेटा एनिमल सेल के अलावा हम बात करते हैं ठीक है बैक्टीरियल सेल की, हम बात करते हैं ठीक है फंगल सेल की, हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे एल्गल सेल की यानी कि एल्जी का जो सेल होता है उसकी, या हम बेटा बात करते हैं प्लांट सेल की ठीक है, तो इन सब के केस में क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और बाउंड्री भी है, यानी कि इनकी बाउंड्री बेटा जो है बैक्टीरियल फंगल एल्गल और प्लांट सेल की जो बाउंड्री है वो दो चीजों से बनी होती है, पहली सेल मेम्ब्रेन और प्लस सेल वाल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक बाउंड्री होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वाल। तो अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं बेटा कि एनिमल सेल के अंदर सेल वाल जो है वो मौजूद नहीं है। तो सेल के बेटा पहले कंटेंट बाउंड्री के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि बाउंड्री हम उसकी वाल को कह रहे हैं, जो बिरूनी दीवार है
जिसने उसके इंटरनल कंटेंट्स को अपने अंदर बंद करना है। तो अगर मैंने कहा कि हम बाउंड्री की बात करें, तो एक एनिमल सेल में बेटा बाउंड्री सिर्फ बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन की, उसके बाहर कोई और लेयर नहीं है। जबकि मैं बात करूं अगर बैक्टीरियल सेल की, फंगल सेल की, एल्गल सेल की, ठीक है, तो इनके केस में बेटा क्या है, इनके केस में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर है जो दोनों मिलकर इन सेल्स की बाउंड्री बना रही हैं, और उस लेयर का बेटा नाम क्या है, सेल वॉल। ये सिर्फ एनिमल सेल में और जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनमें नहीं होगी, बैक्टीरिया, फंजाए, एल्जी, प्लांट वगैरह के सेल्स में बेटा ये लाजमन मौजूद होगी। उसके बाद आ जाएं बेटा प्रोटोप्लाज्म की तरफ। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये तो बेटा बाउंड्री के बाद अभी हम अंदर आ गए हैं सेल के। तो प्रोटोप्लाज्म बेटा क्या है कि सेल के जो इंटरनल कंटेंट्स हैं, जिसमें क्या है, न्यूक्लियस प्लस, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये चीज बेटा आपने याद रखनी है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, कि एक सेल का जो न्यूक्लियस है प्लस साइटोप्लाज्म, हम उसको प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। लेकिन क्या आगे वो कहता है कि क्या एक सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियस होना जरूरी है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जी नो। कैसे, कि अगर बेटा हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में क्या है कि ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस बेटा सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को कहाँ पे मिलेगा, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इसमें होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। तो लिहाजा न्यूक्लियस की बना पे बेटा हम कह सकते हैं कि सेल्स दो तरह के हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे यूकैरियोटिक सेल। प्रो प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटिक कैरियोन से निकला है, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि बिफोर न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस बनने से पहले ही बन चुका था, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, और कैरियोटिक लफज अगेन कैरियोन से निकला है, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि एक ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा वो हमारे पास बेटा यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक के केस में बेटा हमारे पास सिर्फ हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, बाकी जितने भी फंजाए, एल्जी, प्लांट, प्रोटिस्ट, एनिमल, ये सारे बेटा हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। तो चलें अपनी डिस्कशन को आगे मजीद बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि एक सेल की बाउंड्री के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है और जो उसका साइटोप्लाज्म है, इन दोनों को मिला के बेटा हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो पेपर में बेटा एमसीक्यूज में या एमडी कैट में, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है जी कि आप बताएं कि न्यूक्लियर, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस क्या होगा? तो फिर बेटा आप क्या बताएंगे कि अगर प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाए, पीछे बचता है साइटोप्लाज्म। फिर इसी तरह वो पूछ सकता है जी कि प्रोटोप्लाज्म माइनस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू, कि अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म को निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, न्यूक्लियस। तो यानी कि एक सेल के बेटा दो कंपोनेंट्स, एक उसकी बाउंड्री और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। बाउंड्री को हमने डिस्कस कर लिया, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कशन हमने स्टार्ट की है। प्रोटोप्लाज्म में मैंने आपको क्या बताया है कि इसका एक, इसमें दो चीजें होंगी मेन, एक न्यूक्लियस और दूसरा इसका साइटोप्लाज्म। तो चलिए इनको देखते हैं जी आगे के, न्यूक्लियस में क्या होगा और साइटोप्लाज्म में क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा हम लिख लेते हैं, एक तरफ ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है और प्रोटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट, पहला न्यूक्लियस, ये बेटा हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में ही न्यूक्लियस होगा ना, प्रोकैरियोटिक में तो वैसे नाम की कोई चीज ही नहीं है। दूसरा क्या है जी, साइटोप्लाज्म। तो अभी बेटा अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस किस किस से मिलकर बना होगा? न्यूक्लियस के बेटा चार मेन कंपोनेंट होंगे,
ये जरा जहन में बिठा लें कि एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस के चार स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, यानी कि चार चीजों से मिलकर वो बन रहा है, वो कौन सी हैं? पहला है बेटा उसका न्यूक्लियर इनवेलप, पहला है उसका न्यूक्लियर इनवेलप, यानी कि ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है, ये दो मेम्ब्रेन से बना होता है और वो दो मेम्ब्रेन बेटा न्यूक्लियस के जो कंटेंट्स हैं उनको अपने अंदर बंद किए होती है। अच्छा, दूसरा बेटा इसका कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लास्ट। दूसरा इसका क्या है कंपोनेंट जी? न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियस के अंदर बेटा एक फ्लूड जो होगा ना, न्यूक्लियस के अंदर यानी कि जो न्यूक्लियर इनवेलप है, जो दो मेम्ब्रेन्स की बनी हुई एक बाउंड्री है, उसके अंदर जो फ्लूड मौजूद है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स होंगी, न्यूक्लियोटाइड्स होंगी एक्सेट्रा, इसको हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे न्यूक्लियस वाले टॉपिक में। तो उस सैप को या उस फ्लूड को बेटा हम क्या कह रहे हैं जी? न्यूक्लियोप्लास्ट। फिर इसके अलावा बेटा इसके अंदर तीसरा जो कंपोनेंट होगा न्यूक्लियस का, दैट इज न्यूक्लियोलस, दैट इज न्यूक्लियोलस। ये बेटा न्यूक्लियस के अंदर वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम्स को तैयार किया जाता है। तो तीन कंपोनेंट हो गए, यानी कि न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियर इन्वेलप सबसे बाहर मिलेगा, दो मेम्ब्रेन्स की बनी हुई एक बाउंड्री है जिसने बाकी कंटेंट्स को अपने अंदर बंद किए हुए हैं। दूसरी चीज बेटा मैंने बताई न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर एक बेटा फ्लूड है, एक सैप है, और न्यूक्लियोलस तीसरा कंपोनेंट है। ये वो जगह है न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे राइबोसोम्स को असेंबल किया जा रहा है। चौथी चीज है बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो आपको मिलेगी, दैट इज क्रोमाटिन मटेरियल, क्रोमाटिन मटेरियल, या फिर बेटा आप इसको क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, ठीक है? तो न्यूक्लियस का बेटा जो चौथा कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है? क्रोमाटिन मटेरियल या क्रोमोसोम, जो कि आगे बेटा किस पर मुश्तमिल है? हमारे डीएनए के ऊपर, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिकेसिड्स के ऊपर, ठीक है? तो यानी कि क्रोमोसोम जो है बेटा ये डीएनए के बने होते हैं, ठीक है जी? तो न्यूक्लियस के बेटा चार कंपोनेंट की हमने बात की, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस और क्रोमाटिन मटेरियल या फिर क्रोमोसोम्स। फिर अगर बेटा बात करें हम दूसरी तरफ आ जाए साइटोप्लाज्म पे, तो साइटोप्लाज्म जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसमें पहली चीज तो है बेटा, जो पहली चीज है साइटोप्लाज्म की, दैट इज साइटोसोल, दैट इज साइटोसोल। ये साइटोसोल क्या है? साइटोसोल है बेटा के लेट्स सपोज ये हमारे पास बेटा एक, ये हमारे पास एक सेल है, फर्ज करें ये उस सेल का है जी न्यूक्लियस, ठीक है? तो इस न्यूक्लियस के बाहर ये वाला जो इतना इतना जो रीजन है ना बेटा, ये वाला इतना इतना रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है? ये इसी को हम क्या कह रहे हैं जी? साइटोप्लाज्म। इसी को हम क्या कह रहे हैं जी? साइटोप्लाज्म। अभी अगर इस साइटोप्लाज्म की बात की जाए ना, तो इस साइटोप्लाज्म में बेटा मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, और उसमें से मैं पहले को डिस्कस कर रहा हूँ, वो क्या है? साइटोसोल। अभी साइटोसोल बेटा क्या है? साइटोसोल बेटा साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ इसका फ्लूड बना रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म में बेटा जो फ्लूड मौजूद होता है ना, जो कि पानी से, वाटर से, डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स से, फिर डिफरेंट किस्म के फैट्स वगैरह से, डिफरेंट किस्म के का शुगर्स से, साल्ट से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म के सिर्फ फ्लूड, सिर्फ और सिर्फ बेटा जो इसके अंदर माया है, जो फ्लूड है, जो लिक्विड है, उसको हम साइटोसोल कह रहे हैं, जो कि तकरीबन साइटोप्लाज्म का 90% हिस्सा बनाता है ऑलमोस्ट। उसके बाद बेटा ये तो हो गई साइटोसोल की बात, यानी कि साइटोप्लाज्म का वो कंपोनेंट जो सिर्फ और सिर्फ उसका फ्लूड बना रहा है, जो फ्लूड आगे वाटर, शुगर्स, साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, ऑयल्स वगैरह से मिलकर बन रहा है, उसको हम साइटोसोल कह रहे हैं। दूसरी चीज जो होती है बेटा इसके अंदर वो क्या है? दूसरी चीज इसके अंदर जो होगी दैट इज साइटो स्केलेटन, दैट इज साइटो स्केलेटन, ठीक है?
अभी साइटोस्केलेटन क्या है? ये है बेटा, स्केलेटन का मतलब होता है एक रिजिड फ्रेमवर्क, यानी कि एक किस्म का सख्त फ्रेमवर्क डेट सपोर्ट्स प्रोटेक्ट्स एंड गिव्स शेप टू समथिंग। ठीक है, कि एक रिजिड किस्म का, एक सख्त किस्म का फ्रेमवर्क जो किसी चीज को सख्तपन फ्राहम करे, जो किसी चीज को शेप प्रोवाइड करे, जो किसी चीज को बेटा प्रोटेक्शन दे, उसको हम क्या कहते हैं जी? साइटो स्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन बेटा हमारे पास क्या है कि सेल का जो स्केलेटन, सेल के अंदर वो चीज जो सेल को रिजिडिटी फ्राहम कर रही है, सख्तपन फ्राहम कर रही है, सेल को शेप दे रही है, सेल की प्रोटेक्शन कर रही है, उस चीज को बेटा हम क्या कह रहे हैं? उस चीज को हम साइटोस्केलेटन कह रहे हैं। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन के बाद बेटा ये साइटोस्केलेटन आगे ना बेटा तीन तरह के, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स से मिलकर बनता है, जिनको हम माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये हमारा एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा बड़ा टॉपिक है, वहां पे जाके इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो साइटोस्केलेटन के बारे में बात हो गई कि सेल के अंदर तीन तरह की प्रोटीन फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट से बना हुआ एक ऐसा नेटवर्क जो सेल को सख्तपन फ्राहम करेगा, प्रोटेक्शन देगा, शेप देगा, उसको हम साइटोस्केलेटन कह रहे हैं। इसके बाद बेटा तीसरा जो इसके अंदर कंपोनेंट होगा, दैट इज स्टोरेज बॉडी, दैट इज स्टोरेज बॉडीज, या इनको बेटा आप कह सकते हैं सेल इनक्लूजन, सेल इनक्लूजन। देखिए बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर ना कुछ चीजें स्टोर हो जाती हैं, जैसा कि फूड वगैरह, ग्लाइकोजन स्टोर हो सकती है, स्टार्च स्टोर हो सकती है, प्रोटीन स्टोर हो सकती हैं। तो उनकी स्टोरेज की वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रैन्यूल्स यानी कि दानेदार साख्तें बनेगी, ठीक है, या जो स्टोरेज बॉडीज बनेगी वो भी मौजूद हो सकती हैं साइटोप्लाज्म में। उसके बाद चौथी चीज जो बहुत ही अहम है बेटा साइटोप्लाज्म में, दैट इज सेल ऑर्गेनेल, दैट इज सेल ऑर्गेनेल। तो साइटोप्लाज्म का चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बेटा क्या है कि ये सेल की ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर अकोमोडेट करता है। ऑर्गेनली क्या है? ऑर्गेनली इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन इन साइड सेल। ऑर्गेनली क्या है कि सेल से छोटा स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनली। तो एक साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा डिफरेंट तरह की ऑर्गेनलीज होंगी, जैसा कि हमारे पास, अगर ऑर्गेनलीज की बेटा मैं बात करूं तो एक जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें डिफरेंट काइंड की ऑर्गेनलीज होंगी, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा बेटा हमारे पास इसमें गॉल्जी अपरेटस है, फिर गॉल्जी अपरेटस के अलावा बेटा इन ऑर्गेनलीज में हमारे पास लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स के अलावा बेटा इसमें हमारे पास ग्लाय ऑक्सीसोम्स है, ग्लाय ऑक्सीसोम्स के अलावा हमारे पास बेटा इसमें पारा ऑक्सीसोम्स है, ठीक है, पारा ऑक्सीसोम्स के अलावा यहाँ पे हमारे पास बेटा वैक्यूल्स हैं, ठीक है, फिर वैक्यूल्स के अलावा यहाँ पे बेटा हमारे पास माइटोकांड्रिया है, ठीक है, यहाँ पे फिर माइटोकांड्रिया के अलावा हमारे पास बेटा क्लास्टिड्स हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है? सेल के अंदर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेल्स। मतलब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा बेटा गॉल्जी अपरेटस का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। जो काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, ठीक है, वो काम गॉल्जी अपरेटस में नहीं होगा, ठीक है। लाइसोसोम्स का स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ग्लायऑक्सीसोम्स का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर साइटोप्लाज्म के अंदर अकोमोडेट हो रही हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म को कंपोज कर रही हैं। मतलब बेटा मैं अगर बात करूँ माइटोकांड्रिया की, तो माइटोकांड्रिया का क्या काम होता है? माइटोकांड्रिया का काम होता है जी एटीपी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इसने सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या करना है? इसने एटीपी प्रोड्यूस करनी है, ये और कोई काम नहीं करेगा।
प्लास्टिड्स में आगे तीन तरह के ये होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जिनमें से क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। वो फोटोसिंथेसिस लाइसोसोम में नहीं होती, वो फोटोसिंथेसिस गॉल्जी अपैरेटस में नहीं होती। इसी तरह बेटा अगर मैं बात करूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स हैं, उनकी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। वो प्रोटीन सिंथेसिस ग्लाया ऑक्सीसोम्स में नहीं हो सकती, वो प्रोटीन सिंथेसिस वैक्यूल में नहीं हो सकती। यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पे बेटा कहने का मकसद ये है कि हर ऑर्गेनली जो है वो अपना मखसूस काम सेल के अंदर परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे ऑर्गेनलीज के साथ आप राइबोसोम्स का नाम भी लिखेंगे, ठीक है। हर ऑर्गेनली बेटा अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, जो कोई दूसरी ऑर्गेनली परफॉर्म करने की अहल, परफॉर्म करने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा हमारी जो सारी डिस्कशन थी ये सेल के रिलेटेड थी,